एप्लीकेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। जी हाँ, एक बढ़िया सा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिससे आप किसी भी कागज़ या डॉक्यूमेंट आप आसानी से स्कैन करके उसके PDF हमें बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुने आपने, किसी भी कागज़ या डॉक्यूमेंट आपका PDF में बदल सकते हो। किस तरह से की जाओ, कौन सा डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से लोड करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, प्ले स्टोर में जाकर वहाँ पर लिखना है डॉक्यूमेंट सेकेंडरी। वहाँ पर लिखने के बाद फर्स्ट नंबर पर जो आएगा उसको लोड करना है। लोड करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, जो मेरे पास है ऐसा वाला लोड करना है दोस्तों, ये ऐसा। इसको लोड करने के बाद इसको चालू करना है। चालू करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं। चालू करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले हम चालू कर लेते हैं। चालू करने के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कागज़ के PDF में आसानी से बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुने आपने, थोड़ा सा ऐड आएगा, ऐड को ऐड के काटने के बाद ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा दोस्तों, देख सकते हैं आप। निःशुल्क परीक्षण पर अब हम करें, डिजिटल हस्टर OCR फीचर सबमिट स्कैनर। उसके बाद इसको करना कुछ नहीं, यहाँ पे जारी रख सकते हैं या अदरवाइज छोड़ सकते हैं। जारी रखेंगे तो पैसा लगेगा, अदरवाइज छोड़ सकते, इसको कट करना है। कट करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जैसे कि मैं कोई कागज़ ले लेता हूँ, ये वाला मैं कागज़ ले लेता हूँ दोस्तों। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर दस्तावेज में जाएंगे तो देखेंगे कोई दस्तावेज नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ OCR स्कैनर भी कर सकते, कैमरा भी कर सकते। घर पर जाते हैं तो देखते हैं, यहाँ पे एक है जो इसी तरह से आप PDF में बदल सकते हैं। उसके करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले कैमरा चालू कर लेंगे। कैमरा चालू करने के बाद यहाँ से ऐसे करके जो भी आपका है उसको स्कैन कर लेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट पर ऐसे स्कैन करने के बाद। ऐसे जब स्कैन करने के बाद ऐसा खुल जाएगा, उसको बाद इसको एक साइज में कर लेंगे। एक साइज में करने के बाद यहाँ पर दिखाया जा रहा है हटाए चैन करे किया हुआ। तो सबसे पहले आपको जो भी करना है, चैन करना चाहते हैं चैन करना चाहते कर सकते हैं, या किया हुआ पे टर्च करेंगे। इतना टर्च करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऐसा हो जाएगा। करने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसको ऐसे घुमा सकते हैं, जैसे कीजिएगा वैसे ये घूम जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या, यहाँ पर चले जाएंगे सबसे ऊपर किया हुआ पे, किया हुआ पे यहाँ पर दो चैन मिलेगा आपको, जो PDF में बदल सकते हैं, JPEG में कर सकते हैं करने के लिए। उसके बाद जो भी आपका, तो मैं सबसे पहले PDF में कर लेता हूँ। PDF में करने के बाद उसके बाद मैं बताता हूँ JPEG कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम PDF में कर लेते हैं, उसके बाद सहेज देंगे। ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सफलतापूर्वक आपको दिख रहा है आपका दस्तावेज सफलतापूर्वक सहेज लिया गया है। उसके बाद पीछे चल जाएंगे, पीछे जाने के बाद आपको यहाँ से गैलरी से भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर से मैं एक और ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे करके आप, उसके बाद फिर से जैसे पहले किया था वैसे ही कर देंगे। करने के बाद उसके बाद किया हुआ कर देंगे, उसके बाद किया हुआ फिर कर देंगे, उसके बाद JPEG कर देंगे, उसके बाद सहेज देंगे। सहेजने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, वो यहाँ पर बोला है दस्तावेज आपके सफलतापूर्वक सहेज लिया गया है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, पीछे चले जाना है, पीछे चले जाना है। पीछे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा सेव हो चुका है, यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा जो पहले था वो वाला। उसके बाद आगे पीछे भी कर सकते हैं, ज़्यादा फोटो नहीं इसलिए वो पहचान कर सकते हैं, इसको स्कैन कर सकते हैं ऐसे। ऐसे करने के बाद सबमिट करें, उसके बाद चैन कर से सफलता बचाओ। उसके बाद पीछे चले जाएंगे, जैसे आप किए थे इसी तरह से दोस्तों किसी भी डॉक्यूमेंट का आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, या कोई भी फ़ोटो या डॉक्यूमेंट का आप आसानी से स्कैन करके एप्लीकेशन में रख सकते हैं दोस्तों।